देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान अपनी बदहाली के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो वहीं मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर सरकारों से मांग भी कर रहे हैं। ताजा मामला है यूपी के जिला फतेहपुर का, जहां अलमोनिया केमिकल फैक्ट्री से निकल रही जहरीली गैस की वजह से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। सैकड़ों की संख्या में बैठे किसानों का आरोप क्या है, सुनिए। फैक्ट्री से निकलने धुएं का मामला है। किसानों का धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि कंपनी से प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, उसके बाद पानी का रिसाव भी होता है। पानी का रिसाव जमीन पर जाता है और धुआं का जो पॉल्यूशन पेड़ों और जमीन, जो फसल बोई जाती है उसको पूरा नुकसान पहुँचा रही, बर्बाद कर रही। फिर भी हम लोग गए कंपनी मालिक के पास, अपनी मांग रखा, कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं चाहे तुम डीएम के पास जाओ चाहे एसडीएम के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो है तो लोग प्रदेश मंत्री के स्तर बुलाते हैं, प्रदेश स्तर के मंत्रियों को बुलाते हैं और किसानों को मनोबल डाउन करने के लिए, ताकि तुम आगे कार्रवाई, लेकिन हम लोग ये आंदोलन छोड़ सकते हैं, अपने जनजीवन और अपने पेड़ पौधों और अपनी ज़मीन से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम लोगों की मांग है जो हमारी फसल बर्बाद हुई है और जो हमारे पेड़ बर्बाद, उसका उचित मुआवजा दे के उसके बाद ये कंपनी बंद की जाए। आसपास खेतों की स्थिति क्या है? आसपास खेतों की स्थिति है कि उसमें कुछ होता है नहीं, बिल्कुल लोग पेड़ बंजर पड़े, लोग बोते हैं उसके बाद फसल डेवलप कर नहीं पाते, उसको जो होता है फिर से वो जोत देते हैं। आप खुद ही देख लिए खेत जोते हुए पड़े, किसी में कोई फसल नहीं, अगर उसमें एक आध खेत में फसल भी है तो वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है, उसमें कुछ हुआ नहीं। क्या नाम है? आपको बता दें कि वहीं पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने खुद कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। एसपी 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।